हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में मैं नर्सरी एडमिशन में जो एज लिमिट होती है और उस एज को कैसे कैलकुलेट करना है, किस मंथ को बेसिस में रख के बच्चों की एज कैलकुलेट करनी है, उसकी डिटेल शेयर करूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, तो डू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। और चैनल पे रहे हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी वीडियोज आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो नर्सरी में एडमिशन सबसे बड़ा एक कंसर्न का टॉपिक होता है पेरेंट्स के लिए, और काफी पेरेंट्स को डेट्स को लेकर कंफ्यूजन होती है कि किस डेट पे बच्चा किस ईयर का हो रहा है और क्या एज लिमिट उसकी है, तो एज लिमिट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस पर मैं क्लियरिटी लाऊंगी आज के। देखिए, नर्सरी में जो है, मैं नर्सरी का बेसिस आज बता रही हूँ। नर्सरी में 3 ईयर्स, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स इंडिया में नर्सरी की जो एज लिमिट होती है वो 3+ होती है। मतलब जब से सेशन शुरू हो रहा है, जब से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो रहा है, या कह लीजिए जब से नया सेशन शुरू होता है स्कूल में, उसके प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट जो होती है वो बेसिस होती है एज क्राइटेरिया, मतलब बच्चे की एज को मेजर करने के, बच्चे की एज का बेसिस होता है। 3+ होती है, मतलब 3 ईयर्स का बच्चा तब तक हो जा रहा है तो उसका एडमिशन नर्सरी में हो जाएगा। तो देखिए, जैसे जहां पर सेशन अप्रैल से शुरू होता है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से मोस्टली शुरू होता है, तो वहां पे एज को कैलकुलेट करने का जो बेसिस, जो मंथ होता है वो 31 मार्च। मतलब अप्रैल से शुरू हो रहा है सेशन, तो 31 मार्च तक बच्चा 3 ईयर्स का हो जाना चाहिए, तब उसका एडमिशन उस ईयर, मतलब अप्रैल वाले सेशन में हो जाएगा। अगर एक दो दिन भी बढ़ जा रहा है बच्चे की एज, 3 ईयर्स का नहीं हो रहा है, अप्रैल में हो रहा है, तो एडमिशन नहीं होता है। बट इसमें भी रिलैक्सेशन की कुछ प्रोविजंस हैं, जिस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे आप एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, क्या होता है, कितने डेज का एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो वीडियो आप मेरा चेक करें। बट मोस्टली जो है एज का जो क्राइटेरिया होता है, जो बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग द चाइल्ड्स एज इज 31 मार्च। 31 मार्च उस ईयर जब सेशन शुरू हो रहा है, अप्रैल से बच्चा जाएगा तो 31 मार्च में होगा। कई स्टेट्स में, कई बोर्ड्स में जून से सेशन शुरू होता है, या जुलाई से सेशन शुरू होता है, 1 जुलाई से सेशन शुरू होता है। तो वहां पर उन स्टेट्स में जो एज कैलकुलेट करने का जो मंथ होता है वो 30 जून होता है। 30 तारीख जून की जो लास्ट तारीख होती है जून की, वो होती है उस स्टेट्स में कैलकुलेट करने की बच्चे की एज। मतलब 30 जून तक अगर बच्चा 3 ईयर्स का हो रहा है तो वो जुलाई से नर्सरी में जाएगा। जब सेशन जुलाई से शुरू हो रहा है तो 30 जून तक बच्चा 3 ईयर्स का हो जाना चाहिए, तब जुलाई से किसी भी मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ, मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से मंथ जो है नया सेशन शुरू होता है। तो यहाँ पे ये होती है। कुछ जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं, कुछ आईसीएसई के स्कूल्स हैं, आईसीएसई बोर्ड के कुछ स्कूल्स, नॉट ऑल द स्कूल्स, कुछ स्कूल्स इस कैलकुलेशन डेट को 31 दिसंबर में भी रखते हैं। मतलब 31 दिसंबर तक अगर बच्चा 3 ईयर्स का हो रहा है तब उसका एडमिशन आने वाले सेशन जो होगा, नेक्स्ट ईयर का जो सेशन होगा, जब से भी उस स्कूल अपना सेशन शुरू करती है मार्च से अप्रैल से, तब उसका एडमिशन उस सेशन में होगा। तो उनका एज को कैलकुलेट करने का 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है। मतलब 31 दिसंबर को अगर बच्चा 3 ईयर्स का हो रहा है तो फिर नेक्स्ट सेशन में, ये नेक्स्ट सेशन में उसका नर्सरी में एडमिशन हो जाएगा। ये मोस्टली मिशनरीज स्कूल्स में होता है, कुछ मिशनरी स्कूल्स में, नॉट ऑल ऑफ देम, कुछ मिशनरी स्कूल्स में ये बेसिस रखा जाता है कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे 3 डेट्स हैं, 31 दिसंबर, 31 मार्च एंड 30 जून। ये ही जो है बेसिकली जो है डेट्स मेजर करने का, एज मेजर करने का, कैलकुलेट करने का जो बेसिस ऑफ मंथ होता है, इन्हीं डेट्स को आपको रखकर कैलकुलेट किया कि उस डेट के पहले तक अगर बच्चा किसी भी मंथ में, किसी भी डेट को 3 ईयर्स का हो जा रहा है, तब उसका एडमिशन आने वाले सेशन में नर्सरी में हो जाएगा। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, इसी को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप जरूर जरूर मुझसे कमेंट करके पूछें, मैं उसको क्लैरिटी लाने की कोशिश करूंगी। कोई आपकी पर्टिकुलर स्टेट है, स्कूल है, तो मैं उससे इन्फॉर्मेशन निकालकर मैं आपको जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगी। कोई आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ सबकी क्वेरी सॉल्व करने की, उस पर रिसर्च करके सॉल्व करने की। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के जरूर काम आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।